मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज्यादा मुस्लिम भारत ज्यादा यहाँ है। तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए, मतलब अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरे, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़े। हैं वही देखिए, बांग्लादेश है हमारे यहाँ से ही अलग होके, बांग्लादेश है उसकी GDP कहाँ चली गई, एक पाकिस्तान है। काम पे कोई फोकस ही नहीं करता, जो काम नहीं करना चाहिए उस पे फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है। तो उनको यही कहेंगे घर में नहीं जाने अम्मा चली बुझाने वाली कहानी है, खुद को खाने लाले पड़े हुए इंडिया से कहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीजें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है, दूसरा कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें वही बहुत बड़ी बात। पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था, हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे, किसी के कहने से किसी की कोई चीज नहीं हो जाती है। अपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरूभाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी बनने से, जो जिसका है उसी का रहेगा, सपने देखने से किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। वहाँ पर वो अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के बजाय बम व्यवस्था को सुधार रहे हैं, जब बम व्यवस्था सुधरेगी तो भैया अर्थव्यवस्था तो क्रैश होगी। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज का जो मिक्स रिएक्शन है वो नेशन टॉक एक चैनल है उस पर होने वाला है, और ये भाई हमारी इंडियन पब्लिक को पूछ रही है, जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो उसी पर हमारे यहाँ के लोगों के रिएक्शन लेने वाले हैं। तो देखते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन टॉक। 5 फरवरी पाकिस्तान में एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही क्वेश्चन आज हम लेकर जाएंगे भारत की जनता के पास में और उनसे पूछेंगे इस पर उनका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लिया करिए, जिसे थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है? रंजीत यादव, एडवोकेट। 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता है और कहता है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये एक सपना देखते हैं पाकिस्तान के लोग, बच्चे बच्चे को भी ये सपना 75 साल से दिखाया जा रहा है, इस सपने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सपना देखिए मिथ्या है, क्योंकि आपको जिस बेसिक पहलू पे काम करना चाहिए, सोचना चाहिए वहाँ की सरकार है, वहाँ पब्लिक की, कि भाई हमें अपने लिए काम, जैसे मान लीजिए देश का बंटवारा हुआ, देश अलग हुआ, तो जब कोई आदमी मान लीजिए घर में बंटवारा होता है तो वो आप अपनी स्थिति के लिए पहले तैयार होते हैं कि कैसे हम मजबूत हों, कैसे अपने आप को डेवलप करें, कैसे हम अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए जो है व्यवस्थाएँ अच्छी कर पाएँ। वो ना करके आप जो है फिजूल चीज़ों में अगर अपना ध्यान लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे ही जाएंगे आप, गलत चीजें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, गलत सोचेंगे गलत करेंगे तो गलत ही होगा। अच्छा, तो जो 70 साल से करते करते आज तक बताइए कुछ हो पाया? आप वहाँ हालत तो बहुत खराब है। अब हालत खराब होने का मतलब अगर क्राइसिस है तो वहाँ की सरकार को पब्लिक को मिलके उस पर चर्चा ये करनी चाहिए कि हम कैसे क्राइसिस से उभरे, कैसे थोड़ा सा डेवलपमेंट हमारा हो, कैसे हम आगे बढ़े, देश का विकास हो। हैं वही देखिए, बांग्लादेश है हमारे यहाँ से ही अलग होके, बांग्लादेश है उसकी GDP कहाँ चली गई, एक पाकिस्तान है। काम पे कोई फोकस ही नहीं करता, जो काम नहीं करना चाहिए उस पे फोकस है तो फिर डेवलपमेंट अपने आप थोड़ी ना होता है, मेहनत करने से होता है। भारत ने मेहनत की, साथ में ही दोनों देश ने तरक्की का सफर चालू किया था। आज भारत बहुत बुलंदियों पर है, बांग्लादेश बुलंदियों पर है, पाकिस्तान क्यों नीचा, इसका क्या कारण आप समझ? कारण क्या है? जैसे यहाँ की पब्लिक है, सरकार है, तो वो पहले विकास के विषय में, अपने देश के विकास के विषय में सोचती है, उस पर काम करती है, लोगों को जागरूक किया जाता है कि भाई आप अच्छा काम करिए जिससे आपका विकास हो, देश का विकास हो। वहाँ पे क्या व्यवस्था है? ना सरकारें वैसा सोचती हैं, ना पब्लिक को सोचने देती हैं। सरकारें भी उसी चीज़ को बढ़ावा देती हैं कि आप आतंकवाद की तरफ मुड़िए, जिहाद की तरफ जाइए। तो जब विकास वाली चीज़ों की तरफ अगर सरकार ही नहीं मान लीजिए मोटिवेशन दे रही है तो पब्लिक कैसे जाएगी? अच्छा, तो मतलब वहाँ पर तो इतनी मतलब कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन है, आर्मी जो अपना फायदा उठाती, पैसे चूसती है? अगर देखा जाए तो इंटरनल उनका जो है इंटरफेयर रहता है सरकार में, जब उनके हिसाब से चीजें नहीं होती या काम नहीं कर पाती हैं सरकारें, तो वो उस पर फिर प्रेशर बनाते हैं। उसी प्रेशर की वजह से सरकारें जो है जो काम उनको करना चाहिए, तो जो इंटरनल प्रेशर चाहे सेना का हो या बाकी जो अन्य मान लीजिए टेररिज्म वाली गतिविधियां हैं, जब वो हावी होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं सरकार या सरकार के कारिंदे अपने पथ से इधर उधर हो जाते हैं, इसी वजह से सही से काम नहीं होता। हर बार भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई कश्मीर को लेकर, हाल ही में शहबाज शरीफ जो उनके प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि हमने लड़ाइयाँ करके भारत से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। तो कहीं ना कहीं किसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो लड़ाइयाँ रही हैं
कश्मीर वाली वही सबसे बड़ा कारण रही है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाया है। देखिए, इसका मेन रीजन यह है कि आज तक कोई जो है झगड़ा या लड़ाई करके बढ़ा नहीं आगे। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आ? हाँ, ये बात इनको समझ में आ रही है, लेकिन अब करें क्या, ऑप्शन है नहीं। जैसे पहले आपने किसी से कह दिया कि आइए हम लड़ेंगे आपसे, हम लड़ने लायक हैं, आप लड़े हारे हारते गए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। जैसे आपने जब जंग लड़ना शुरू किया तो आपके हथियारों का, आपके जो सिचुएशन होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो भी तो हथियार कहाँ से लाएंगे। तो वैसे भी आपने पहले उस तरह के उत्पादन, उस तरह की आर्थिक गतिविधियाँ नहीं हैंडल की जिससे देश में कोई मजबूती आती। जो भी मान लीजिए कोई व्यवस्था थी भी, तो उसको आपने लगा दिया गलत जगह। अब आपने अपने घर में मान लीजिए बेर का पेड़ लगाया हुआ है, तो आम थोड़ी ना गिरेंगे वहाँ। अच्छा सर, वहाँ की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं कश्मीर को लेकर बहुत इमोशनल रहती है। जैसे वो वहाँ भुखमरी है, आटा नहीं है, दवाइयाँ नहीं, बहुत सारी दिक्कतें, लेकिन उनके लिए कोई नहीं आवाज़ उठाता वहाँ पर, कोई रैली नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कश्मीर का नाम आता है सब हल्ला मचाना चालू कर दे, खुद भूखे मर जाएंगे, लेकिन कश्मीर के बारे में हमेशा जो बातें, लोग ऐसा है, वो कुछ लोग ये सारे पाकिस्तानियों, वो लगता है केवल ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग वहाँ, जैसे हमारे यहाँ भी लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे अच्छे लोग हैं, नहीं, उन्हीं लोगों को फोकस करके अच्छे लोग को भी कश्मीर चाहिए, जिहाद आतंकवाद या लड़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। भाई ऐसा थोड़ी नहीं कि वहाँ आदमी नहीं, आदमी अगर है तो उसके दिल भी होगा, अच्छा बुरा वो जानता भी होगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन दिक्कत यही ना कि वहाँ पे जैसे सरकार है या सामाजिक संस्थाएं हैं या जो मान लीजिए अच्छे लोग हैं जिनको समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो करते नहीं है। भाई उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप मेहनत करेंगे तो आपका परिवार अगर समृद्ध होगा, शिक्षित होगा, तो वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पे नहीं चलाई जाती हैं, तो उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, इससे हमारा फायदा हो जाएगा, हम डेवलपमेंट कर जाएंगे, तो ऐसा कहाँ होगा, बिना काम किए कोई ऐसे थोड़ी ना डेवलप कर जाएगा। अच्छा सर, पाकिस्तान का एक जो है मोटिव है वो ये कहते हैं, उनका कहना ये है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं इसलिए वो पाकिस्तान का है, इस पर आप क्या कहें? मुस्लिम तो हमारे भी देश में है, 20% कम्युनिटी अकेले मुस्लिमों की है, उनसे ज़्यादा मुस्लिम भारत ज़्यादा यहाँ है, तो हम लोग तो ये नहीं कहते ना कि हमको पाकिस्तान चाहिए। भाई आपका जो हिस्सा था, आपको जो मिल गया आप उसमें खुश रहिए, आपको जो मिल गया हम उसमें खुश रहें। अगर आपसी भाईचारे के आधार पर हम काम करते तो क्या पहले हमारे यहाँ से सहायता वहाँ नहीं जाती थी? बहुत सारी हर बार सहायता गई, कभी किसी तरह की भी हो, लेकिन आपने इतना तालमेल गड़बड़ कर लिया कि हम ही आपको सहायता पहुँचाएं, आप हमारे ही पीठ में खंजर भोंकेंगे तो कैसे काम चलेगा? आने वाला भविष्य क्या देखते हैं? जो वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस है, भुखमरी है, उससे उभर सकते हैं वो? क्या पे जैसे सरकार या वहाँ के लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं कि हम अंधेरे में जा रहे हैं कि हम उजाले की तरफ जाएंगे। तो अगर उजाले की तरफ काम करेंगे तो जब प्रकाश आएगा तो उज्जवल होगा भविष्य, आप अंधेरे की तरफ जाएंगे तो फिर अंधेरे ही आएगा। धन्यवाद। पाकिस्तान तो पहली बार कश्मीर का चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दे, ठीक है। दूसरा, कश्मीर वाले ही वहाँ नहीं जाएंगे, बलूचिस्तान बचा लें, वही बड़ी बात है। भिखारियों के साथ कौन जाना चाहता है? जो वहाँ के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि हम भिखारी, तो उनके साथ कौन जाना चाहता है? अच्छा सर, जो लोग कश्मीर मांग रहे हैं, आप मान लीजिए मैसेज या वीडियो हमारा देख रहे हो, तो हम उनको क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, भारत की जनता सारी साथ में है, कश्मीर उनको मिलना नहीं, बलूचिस्तान वो बचा लें तो ले लेंगे ना, पीओके तो था और वो आ जाएगा, ठीक है, भूल जाएं, मतलब कश्मीर को भूल जाएं, उनकी भलाई इसी में है, वो कश्मीर को भूल जाए, कश्मीर उनका कभी नहीं, कश्मीर भूल के उनको अपने देश पे फोकस करें, हाँ उसी पे फोकस करें, वहाँ की जनता को देखें, वहाँ पे जो लोग जनता मर रही है, भूखे मर रही है, उसको उसके लिए व्यवस्था करें, बेकार की उसमें उनको कोई फायदा नहीं है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद, थैंक यू भैया। क्या नाम है सर? अरुण कुमार यादव। आप? राहुल अवस्थी। भरत लाल। पाकिस्तान 5 तारीख को कश्मीर डे मनाता है, सारे पाकिस्तान के लोग इकट्ठा होते हैं और एक सपना देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 75 साल से देख रहे हैं, आज तक हकीकत में नहीं बदला, लेकिन फिर भी वो लगातार देखे जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, किसी को सपना देखने से रोका नहीं जा सकता है, ये उनकी खुशफहमी है कि कश्मीर उनका है तो वो खुश रह लें अपने आप में। कश्मीर उनका कभी नहीं रहा, पाकिस्तान खुद भारत का अंग था और उनको मिल गया है, तो उसमें उनको सब्र करना चाहिए और ऐसी खुशफहमियों से उन्हें बचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? हमारा भी यही कहना कि पाकिस्तान भी हमारा था, एक टाइम था ऐसा कि पाकिस्तान भी हमारा था, हमने उनको पाकिस्तान दे दिया तो क्या कश्मीर भी थोड़ी ऐसे दे देंगे? किसी के कहने से किसी की कोई चीज़ नहीं हो जाती है, कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, वो रहेगा हमेशा। आप क्या कहेंगे? लीगली तो हमारा ही है ना सर। वो लोग कहते हैं कि कश्मीर के अंदर ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं, इसलिए जो कश्मीर है वो मतलब पाकिस्तान का अंग है,
इसी चीज को बेस बनाकर बहुत सालों से लड़ रहे हैं, कई बार वार भी हो चुकी है इस चीज के बारे में। तो जहां पर मुस्लिम रहते वो एरिया क्या पाकिस्तान का हो गया? ऐसे तो ईरान, अफगानिस्तान सब पाकिस्तान का हो जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? उनकी ये सोच भी गलत है। मुस्लिम हमारे यहाँ अगर जनपदों में देखें तो कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो क्या वो पाकिस्तान के हिस्से हैं? पाकिस्तान से ज़्यादा तो भारत में मुस्लिम रहते हैं, बिल्कुल यहाँ रहते हैं। और हमारे जनपद में कई कस्बे हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल आयत में है, तो क्या वो कस्बा पाकिस्तान का हो गया? कतई नहीं हो सकता है। पाकिस्तान कहता रहे, मुस्लिम हमारे देश में सभी जगह बहुतायत से हैं और हिंदू मुस्लिम सभी साथ में हैं, किन्हीं कारणवश झगड़े हो जाते हैं और वो भी पाकिस्तान की देन है जो उनको उकसाता है और विवाद उत्पन्न करता है हमारे शांतिपूर्ण जीवन में। आप क्या कहेंगे? हमारा भी ये कहना कि जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के हिसाब से रहते हैं, पाकिस्तानी आदमी लोगों को मानना है कि वो कश्मीर उनका है, इसी तरह उनको हमारे यहाँ मोहल्ला जैसे हमारे ये रसूलपुर वगैरह बारह के कई मोहल्ले हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, तो वो मोहल्ले भी उनको दे दिए हैं। धीरे धीरे इनको पूरा हिंदुस्तान चाहिए, मांगने से अगर किसी को मिल जाए कोई चीज़, सपने देखने अगर हकीकत में बदलते हो तो हम दिन भर आदमी बड़े बड़े सपने देखता है कि ये धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, तो कोई नहीं बन जाएगा किसी बनने जो जिसका है उसी का रहेगा। सपने देखने से किसी को कुछ नहीं मिलता। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, जो पाकिस्तान के आज हालात हैं, भूखमरी है, आटा नहीं मिल रहा, सब्जियाँ वहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगी हैं, दवाइयाँ भारत से ही जाती हैं, वो दुबई से जाती हैं भले होके, बहुत महंगी वहाँ पर चीज़ें उनको मिल रही हैं, क्राइसिस है, इस समय उनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि फिर भी मतलब पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए, कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए? पाकिस्तान के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहे, उनको कश्मीर चाहिए। सोचना उन्हें अपने बारे में चाहिए, लेकिन उनकी ये बीमारी है कि वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते आए शुरुआत से और गड्ढे में खुद गिर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान एक दिन के अंतराल पर अलग हुए, एक देश बने। भारत ने कितनी तरक्की की? सिर्फ इसलिए तरक्की की क्योंकि भारत दूसरों का भी हित चाहता है। आज भी भारत पाकिस्तान को दवाइयां देता है, जैसा आपने बताया, अन्य मदद करता है। सारी चीजें भारत से जाती हैं, दुबई के होके जाती है, सोचिए कितनी महंगी पड़ती है वहां पर, रास्ते से जाती है, लेकिन भारत का सामान वहां जा रहा है। भारत दूसरों के बारे में सोचता है इसलिए उसने इतनी तरक्की की, और वो गड्ढा खोदते हैं तो वो गड्ढे में ही गिरते जा रहे हैं, जितना खोदेंगे उतना गिरेंगे। आप क्या कहेंगे? वो अपनी जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, उनको केवल हथियार खरीदना है, रक्षा बजट उनका जितना है, अगर वो रक्षा बजट छोड़ के और जनता के पीछे पैसा लगाएं तो उस पैसे से उनका विकास होगा। जनता में जो भुखमरी है, भुखमरी उसी से मिटाई जा सकती है, लेकिन उनको हथियार खरीदना है, दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाना है, अपने देश को अपने नागरिकों के बारे में नहीं सोचना है उनको। अगर वो अपने नागरिकों के बारे में सोचते तो हथियार बजट जो इनका रक्षा बजट जितना है, उस पैसे से अगर खाने का सामान खरीद के गरीबों बांटें, गरीबों की मदद करें, उनको थोड़ा सुविधा दी जाए, वो तो उससे उनके देश का विकास होगा। ये रक्षा बजट बढ़ाने से, दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने से उनके देश का विकास नहीं होगा और वो गर्क में चले जाएंगे, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे अपने आप में ही। उनको किसी को खत्म करने की जरूरत नहीं पाकिस्तानी। कि ये कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना क्यों चाहते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है ना कि उनको साथ मिला के करेंगे क्या ये, कि पाकिस्तान की थोड़ी क्या असल में यही चीज है, यही हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तान के जहन में ये सवाल है और यही एक बहुत बड़ी कैंपेन है इंसानियत के नाते या अपने कंट्री के नाते, कि हर पाकिस्तानी जो है ना वो सवाल करे कि भाई आप कश्मीर को साथ मिला के करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहते हैं? बड़ा पॉइंट। और यही हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी ये सोचे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। यही फर्क है पढ़े लिखी पब्लिक में और पाकिस्तान की पब्लिक में, जो हमारे यहाँ के लोग सोच रखते है और जिस तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते है पाकिस्तान के बारे में। आप पाकिस्तान के लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, वो तो हमेशा न्यूक्लियर बम की बात करते हैं, इंडिया पे जंग छेड़ने की बात करते हैं, काफिरों को मारने की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ के आपने दो तीन लोगों को सुना तो वो कितनी सेंसिबल और अच्छी बातें कर रहे थे, उनको भी नसीहत दे रहे थे कि अगर आपको डेवलपमेंट करनी है तो ये कश्मीर का राग छोड़ दीजिए। और सही कहा कि इन लोगों ने जब से पाकिस्तान बना है तब से अपनी डेवलपमेंट पे और एजुकेशन सिस्टम पे या हेल्थ पे तो उन्होंने सोचा ही नहीं। जब से आज़ाद हुए हैं और आज़ाद बोलते हैं वो लोग आज़ाद हुए हैं, तो वैसे तो अलग हुए हैं लेकिन बचपन से ब्रेन वॉश किया हुआ है, लेकिन जब से उनका देश बना है तब से सिर्फ कश्मीर पर ही अपनी राजनीति भी करते हैं, आर्मी भी उसी पे चलती है और लोगों की भलाई के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। अगर इन लोगों ने चार जंगें नहीं की होती कश्मीर के लिए और ये सपना भूल जाते तो आज वो लोग भी तरक्की कर सकते थे, क्योंकि आप अगर
किसी देश की इकोनॉमी भी अच्छी चल रही है और आप वॉर में पड़ जाते हैं तो आपकी इकोनॉमी भी डूब जाएगी और कई सारे देशों से आपकी रिलेशन भी बिगड़ सकती है, जैसे कि रशिया में हुआ। तो इन लोगों को अगर सही में अपने देश को डेवलप करना है या अपनी स्थिति सुधारनी है तो ये कश्मीर वाला और ये टेररिज्म को सपोर्ट करना छोड़ना पड़ेगा, तभी वहाँ पे डेवलपमेंट आएगी और लोगों के बारे में सोचना चाहिए, ना कि दूसरों को गिराने की सोच रखनी चाहिए। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।